जय श्री राम दोस्तों, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करें और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकन को ऑन करें। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप करें 9899000366 पर। जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्वीन ऑफ वंड्स टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो ये रीडिंग है ये है शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और राज कुंद्रा, जो है उनके बारे में जानेंगे कि क्या है रियलिटी और इनके बाद अब और क्या क्या एक्सपोज होने वाला है, क्या क्या चीजें सामने आएंगी, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। प्लीज हेल्प अस टू फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन नाउ एंड द रियलिटी ऑफ द एंटायर थिंग ऑफ राज कुंद्रा एंड शिल्पा शेट्टी कुंद्रा। ओके, तो यहाँ पे हमें पहले ही कार्ड में शिल्पा शेट्टी दिख गई हैं। यहाँ आप देखिए ये एक लेडी दिखी है जो रेड कलर, जो रेड उनका बहुत ज्यादा फेवरेट है, इसी कलर में मैक्सिमम रहती हैं वो, और यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के रूप में दिखी हैं। चलिए आगे देखते हैं। लाइज एंड डिसीट, झूठ बोल रही है इस समय, जो भी बात वो बोल रही है, जो भी स्टेटमेंट दे रही है कि उन्हें कुछ नहीं पता, जो भी कंट्रोवर्सी है, उन्हें फंसाया गया है उनके हस्बैंड को, और उन्हें पूरा झूठ है ये, इट्स लाई, कंप्लीटली झूठ बोल रही है इस समय। और यहाँ पर कार्ड आया है एक, हमें पैशन का कार्ड आया है। यहाँ पे ये क्लियर है कि जो भी ये चीजें हो रही थी, जो भी चीजें कर रहे थे ये लोग, ये सब एक दूसरे, ये लोग जानते थे इसके बारे में, और ये जो भी चीजें इल्लीगल चीजें जो ये कर रहे थे इसके बारे में ये लोग जानते थे, इतना यहाँ पे क्लियर है। थोड़ा और क्लैरिटी लेते हैं। तो यहाँ पे कोई पर्सन, यहाँ पे कोई आइसोलेटेड है, कोई कैद है यहाँ, तो ये तो ऐसा भी लग रहा है कि ये हो सकता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी ये हो सकती है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी हो, क्योंकि यहाँ पे जो आप ये पर्सन देख रहे हो, ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है जिसको आइसोलेट कर दिया गया है, कहीं पे कैद कर दिया गया है, या किसी जगह में, ऐसी जगह में भेज दिया गया है जहां ये अकेला है और अपने रिश्तेदारों को, अपने फैमिली मेंबर्स को याद कर रहा है। तो ऐसा तो तभी होता है जब किसी पर्सन को विदाउट उनके, उनकी रजामंदी के, उन्हें कहीं पे आइसोलेट करके भेज दिया जाए। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा जो है ये कहीं ना कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी इन्वॉल्व है, और यहाँ पर ये चीज भी हो रही है। ये जो घर आप देख रहे हो, ये डार्क घर जो देख रहे हो, एकदम काला घर है, ये काले कारनामों से भरा हुआ है ये घर, और ये सामने सफेद कपड़ों में एकदम क्लीन छवि के साथ सामने है, और लाल जो इनका फेवरेट है वो पहन के। तो ये मुझे यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स तो यही लग रही है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कोई और नहीं, शिल्पा शेट्टी ही है, और ये इसका अपना घर है जो एक काला सा आप देख रहे हो, जो काले कामों को करके ही कमाया, काली कमाई से बनाया गया एक काला घर। और इसको अगर हम रिवर्स में इस कार्ड को देखें तो इसमें आप इतने सारे इमेजेस देखेंगे जो कि बहुत ही उल्टी फुल्टी और गलत इमेजेस यहाँ पे दिख रही हैं। तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग से भी कनेक्टेड है। तो ये जो भी घर बना है, जो भी है, ये सब एक काली कमाई है। यहाँ पे स्पेशली जो ये कपड़े, व्हाइट कपड़ों में अपनी इमेज ये दिखाता है कि अपनी इमेज को इसने पब्लिक में बहुत ही व्हाइट क्लीन इमेज कर रखी है, रेड कलर का फेवरेट ड्रेस इसका है, और यहाँ पे ये इन्वॉल्व है और भी कई सारी चीजों में, इल्लीगल एक्टिविटीज में। उसमें सबसे मेन यहाँ पे मुझे ह्यूमन ट्रैफिकिंग लग रहा है जो अभी तक सामने नहीं आया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो सामने आया ही नहीं है, जो भी स्टेटमेंट दे रही है वो झूठ है, लाइज एंड डिसीट। कार्ड्स गिव मी मोर क्लैरिटी प्लीज, टेल मी मोर अबाउट दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, कुछ कार्ड्स निकले हैं तो इनको हम देख लेते हैं। ओके, द स्टार कार्ड, यहाँ पे बाकी कार्ड्स हम रख देंगे, सिग्निफिकेंट है ये कार्ड। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि इसके अब्रॉड में, अगर हम अब्रॉड की बात करें तो इसके अब्रॉड में इसकी पार्टनरशिप है, और ये जो शिल्पा शेट्टी जो है, ये इसने राज कुंद्रा से जो शादी करी, ये एक कॉन्ट्रैक्ट था इन दोनों के बीच में, ये एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत शादी की गई, और ये पार्टनरशिप थी, शादी जो थी ये बेसिकली एक बाहर से शादी थी, लेकिन ये बेसिकली एक पार्टनरशिप थी, और इस पार्टनरशिप में बैठ करके डिस्कस करके ये पार्टनरशिप की गई। शिल्पा शेट्टी जब अब्रॉड में थी, जब अब्रॉड गई हुई थी, तब ये पर्सन जो था, ये जो राज कुंद्रा है वो इसे मिला, या फिर ये राज कुंद्रा जो है ये इंडिया आया, तब इससे बात करी और बिजनेस प्रपोजल दिया इसको, और वो बिजनेस प्रपोजल इसने एग्री किया,
और वो बिजनेस प्रपोजल जो था वो ये ट्रेड का था, ये मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी है, वो आगे चल के सामने आएगी चीज, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी डेफिनेटली इन्वॉल्व है। और ये यहाँ पे मास्टरमाइंड है, मास्टरमाइंड ये खुद है शिल्पा शेट्टी जो है वो मास्टरमाइंड है, लेकिन इमेज देखो कितनी क्लीन इमेज है इसकी। और ये बिजनेस प्रपोजल है, ये जो इनकी मैरिज है ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, बिजनेस प्रपोजल था और उसके तहत शादी की गई, बिजनेस प्रपोजल। और ये बिजनेस क्या था, ये बिजनेस था ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, और जो भी ये इलीगल काम जो हो रहे हैं जो सामने आए हैं उनका था ये बिजनेस डील। कार्ड्स गिव मी मोर क्लैरिटी प्लीज। ओके, एक कार्ड और आया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो भी पावर है, क्योंकि आप देखिए जो ये पर्सन है इसके हाथ में एक फेदर है, और जैसे ही इससे वो कुछ लिख रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, तो जो भी ये पावर है, ये रेड कलर की ड्रेस में, फिर से आप देखिए व्हाइट है और रेड कलर का इसने ये पहना हुआ है ऊपर, और ये ही इमेज यहाँ है शिल्पा शेट्टी की, तो यही वो पर्सन है जो मेन कीज आप देख, ट्रेजर कीज है यहाँ पर, तो डेफिनेटली ये सब कुछ जानती है इसके बारे में। और ये मेन पर्सन है, ये जो राज कुंद्रा है वो तो इसके अंडर ही है, वो इससे सीनियर नहीं है, हायरार्की में इससे सीनियर नहीं है राज कुंद्रा, बल्कि ये जो है ये सुपीरियर है, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। और यहां पर भी आप देखिए डिसीजन सारे इसके होते हैं, लेकिन ये एक इल्यूजन बनाती है, अपनी इमेज दिखाती है, व्हाइट यूनिफॉर्म व्हाइट ड्रेस है, मतलब क्लीन इमेज दिखाती है जनता में, लेकिन एक्चुअल में ये जो आप स्नेक देख रहे हैं ना, जहरीला स्नेक, ये सोसाइटी के लिए एक जहरीले स्नेक की तरह है, और ये एक इल्यूजन पैदा कर रखा है जो इमेज बनाई हुई है, लेकिन यहां पर डेफिनेटली ये इन्वॉल्व है और ये मेन मास्टरमाइंड है, ट्रेजर कीज इसके पास है, सारा पैसा इसके कंट्रोल में है। अभी बहुत सारे ट्रांजेक्शन सामने आएंगे, स्पेशली जो इसके नाम पे किए गए होंगे, अगर ईडी इस केस में आएगी तो ईडी डेफिनेटली इसके जो ट्रांजेक्शन है उन सबको पकड़ेगी, बहुत सारा पैसे का जो है घपला है जो इसके नाम पे है पैसा। तो ये जो राजकुंद्रा जो है वो तो सिर्फ इसके हाथ में एक पपेट है, ये मेन मेन पर्सन है, ये शी इज द मेन पर्सन। और ये इनकी शादी जो है ये कोई शादी नहीं है, ये बिजनेस डील है, बिजनेस प्रपोजल लेकर आया ये राजकुंद्रा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये राजकुंद्रा की एनर्जी है, ये बिजनेस प्रपोजल लेकर आया है इसके लिए, और इसकी सांठ गांठ जो है, जो ये महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है उनके साथ सांठ गांठ बैठा करके ये बिजनेस शुरू किया गया, ये कोई अपने बलबूते पे नहीं इसने स्टार्ट किया है, इसकी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है, जो ये महाराष्ट्र का जो गवर्नमेंट है उनके साथ इसकी बहुत अच्छी, फादर सन सबके साथ अच्छी साठगांठ है इसकी, उसके बाद ही ये डिसीजन लिया गया। और यहाँ राजकुंद्रा को भी यहाँ से पूरा मार्केट मिल गया, इससे शादी करने के बाद, इससे शादी करना एक बिजनेस डिसीजन था, बिजनेस डील थी, और उसके बाद पूरी मार्केट मिल गई, इंडिया की मार्केट मिल गई इसको, ताकि ये अपने जो इलीगल एक्टिविटीज हैं उन्हें कर सके। और यहाँ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हो रही है जो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन आएगी जरूर, क्योंकि ये लोग एक्सपोज होंगे, यहाँ पे SSR की स्पिरिट डेफिनेटली इनको एक्सपोज कर रही है। तो यही मुझे यहाँ पर देखना था मेन, यहाँ पे अगर हम देखें तो SSR की स्पिरिट जो है वो लगातार इन लोगों को एक्सपोज कर रही है, और ये जो एक इमेज शिल्पा शेट्टी की है जनता में बहुत ही क्लियर क्लीन इमेज है, लेकिन एक्चुअल में शी इज द मास्टरमाइंड, वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर। और जो ये राजकुंद्रा है, देखिए यहाँ मैरिज का भी इनका कार्ड आया है, और जो राजकुंद्रा है वो तो सिर्फ एक पपेट है इसके हाथ में, और जो ये कहती है वैसा वो यहाँ पे करता है, वो बिजनेस डील लेकर आया था, और वो बिजनेस डील जो थी वो सिर्फ इन दोनों के बीच की नहीं थी, इनके साथ और भी दो, यहाँ पे आप देखिए जो गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट वो भी इन्वॉल्व है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट जो है ये इनका भी अभी सामने आएगा, और इनकी भी। और यहाँ पे एक कार्ड और आया है, आप देखिए बॉलीवुड का कार्ड है, ये जो कार्ड है बॉलीवुड को दिखाता है, यहाँ पर एक क्वीन का क्राउन है और ये पोप का क्राउन है। मैंने आपसे कहा कि जो ये पर्सन है ये राजकुंद्रा जो है वो इसके सामने कुछ भी नहीं है, शी इज द मेन पर्सन, शी इज द मेन मास्टरमाइंड, शिल्पा शेट्टी यही मेन मास्टरमाइंड है, ये अपनी क्लीन इमेज रखती है, लेकिन एक्चुअल में ये डार्क घर, जो काला घर दिख रहा है, ये काली कमाई से बनाया हुआ घर है। क्यों? क्योंकि ये डार्क पार्टीज में, ये डार्क पार्टीज डार्क लोगों के साथ कनेक्शन है, या जो भी बॉलीवुड की डार्क पार्टीज होती है, यहाँ आप देखिए बहुत सारे स्टार्स हैं और कितना अंधेरा है, ये डार्क पार्टीज में ये सब ये ऑर्गेनाइज कराती है बकायदा, यहाँ पे ये डार्क पार्टीज ऑर्गेनाइज होती है, और यहाँ पर ही ये जो इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग से लेकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी ये इन्वॉल्व है, एंड शी इज द क्वीन ऑफ दिस ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ऑल दिस थिंग, शी इज द क्वीन ऑफ दिस। और यहाँ पे आम लोगों को एंट्री नहीं है, यहाँ पे यही जो डार्क लोग हैं ये यहाँ पे आते हैं, तो यही चीज मुझे यहाँ पर देखनी थी।
तो ये क्वीन ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पर कोई और नहीं है, ये शिल्पा शेट्टी ही है, उसकी ही एनर्जी है। और ये इनकी जो शादी हुई थी वो एक कॉन्ट्रैक्ट था, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट था और बिजनेस डील थी। जो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, फादर सन यहाँ दिख रहे हैं, आप देखिए पिलर पे दोनों के चेहरे दिख रहे हैं, तो इनकी इनके प्रेजेंस में, इनके नॉलेज में ये चीज चल रही थी। और ये पूरा एक गैंग है, और इसके अलावा ये अभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी इन्वॉल्व है, जो आगे चल के चीज सामने आएगी डेफिनेटली। और ये जो इनका इलीगल एक्टिविटीज हैं, ये सिर्फ यहीं पे नहीं रुक रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और ये लाइज एंड डिसीट बोलेगी, अभी बहुत झूठ बोलेगी। व्हेन इट कम्स टू, अभी जो राज कुंद्रा से क्वेश्चन करेंगे, इससे पूछेंगे, जो भी कह रही है सब झूठ बोल रही है, सब झूठ बोल रही है, मैनिफेस्ट कर रही है, ट्राई कोशिश कर रही है बातों में घुमाने की, लोगों को घुमाने की कोशिश कर रही है। तो यही मुझे यहाँ पर देखना था। आई होप यू लाइक द रीडिंग। कोई और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइए। एंड इफ यू वॉन्ट अ पर्सनलाइज रीडिंग, आप मुझे व्हाट्सएप करें, नंबर है 9899000366। जय श्री राम, जय भारत।